अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हो लो? ठीक हो बेटा? मैं आप लोगों के साथ टॉपिक जो शेयर करने लगा हूँ वो है चैप्टर नंबर 12, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सेकेंड ईयर का, जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। हम इसे नेम रिएक्शन भी कहते हैं। ये आपकी केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैनिज़ारो रिएक्शन। अच्छा बच्चों, मैं आपको इसके एक एक चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इसका एक और नाम भी होता है, वो ये है कि हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। अगले पॉइंट पे अब बच्चों, आप लोगों को याद होगा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए हम उन एल्डिहाइड और कीटोन्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है, इसलिए हमने वहां फॉर्मल्डिहाइड को यूज नहीं किया था, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये अल्फा हाइड्रोजन की कहानी क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आप पढ़ सकते हैं, वो आप वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने ऐसे एल्डिहाइड का इस्तेमाल करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। इसका मतलब है यहाँ मैं अगर तीन बात करूं, एक मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड, एक है एसीटैल्डिहाइड और एक है एसीटोन। इन तीनों में से अगर कौन सा यहाँ यूज करना है तो फॉर्मल्डिहाइड हम यूज करेंगे, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। इट्स मीन के कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए हम कभी भी ना एसीटैल्डिहाइड और ना ही कभी एसीटोन का इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे एल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट, दोज एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व इन द कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सेकंड पॉइंट ये लिख लो, the aldehyde which have no alpha hydrogen are involved in the कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अगले पॉइंट पे आओ बच्चों, याद रखना ऐसे एल्डिहाइड जब आपस में कंडेंस होंगे तो इसके रिजल्ट में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक होगी आपके पास अल्कोहल और एक आपके पास होगी बच्चों साल्ट ऑफ एसिड। मींस एक हमारे पास अल्कोहल होगी, एक होगा एसिड, किस फॉर्म में, साल्ट्स की फॉर्म में। और यहाँ हम कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करेंगे। याद करो एल्डोल के अंदर हमने डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल किया था,
और यहाँ हम कंसंट्रेटेड जो है वो हम अल्कली सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, NaOH इस्तेमाल करते हैं, या 50% NaOH का इस्तेमाल करते हैं। मींस इस रिएक्शन के दौरान हम ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब उन्हें हम कंडेंस करेंगे इसकी मौजूदगी पे 50% NaOH की मौजूदगी पे, तो हमें क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगी। और बच्चों देखो, मैंने कहा ना कि यहाँ दो चीजें होनी है, ऑक्सीडेशन भी होनी है, रिडक्शन भी होनी है। तो याद रखो, जो आपको अल्कोहल मिलने वाली है वो रिडक्शन के जरिए मिलेगी, और जो आपको साल्ट मिलने वाला है वो ऑक्सीडेशन के जरिए होगा। ये जब मैं मैकेनिज्म करूंगा तो आपको साबित करके दूंगा। अभी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो अल्कोहल है वो रिडक्शन से बनेगी और जो साल्ट है वो ऑक्सीडेशन से मिलेगा। तो हम यहाँ अपना थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, व्हेन द एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन आर condense in the presence of percent NaOH to form the alcohol। हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, रिडक्शन के जरिए एंड एसिड इन द फॉर्म ऑफ साल्ट किसके जरिए जी, ऑक्सीडेशन के जरिए। मीन्स इन सारी बातों को अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि मैं यहाँ ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनको कंडेंस करूंगा, किसकी मौजूदगी पे, कंसंट्रेटेड NaOH की मौजूदगी पे, और क्या बनाऊंगा, अल्कोहल और साल्ट्स in the form of, sorry, acid in the form of salt। और मैं, मुझे यहाँ क्लियर है, मैं जब ये रिएक्शन करता हूँ तो मुझे पहले से पता होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ दो फॉर्मल्डिहाइड लूंगा, क्योंकि ये देखो ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। मैं ऐसे दो फॉर्मल्डिहाइड ले लेता हूँ और मैं उनको हमेशा कंडेंस करता हूँ, तो मुझे एक अल्कोहल मिलती है जिसका नाम होता है मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल, और एक साल्ट मिलता है एसिड का जिसका नाम है सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये दो चीजें बन जाती हैं और ये मैं रिएक्शन करता हूँ और फिर ये साबित करके देता हूँ विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो इसके बाद हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं रिएक्शन। देखो बच्चों, ये है मेरे पास रिएक्शन, मैंने दो फॉर्मल्डिहाइड लेने हैं, इनको रिएक्ट करवाने लगा हूं किसकी प्रेजेंस पे, 50% NaOH की प्रेजेंस। 50% का मतलब क्या है के 50% इसमें NaOH है और 50% इसमें वाटर है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, 50% NaOH, और ये कंसंट्रेटेड समझा जाता है, गाढ़ा। मीन इसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, ज्यादा। अब बच्चों देखो, मैंने क्या बोला, मुझे दो चीजें मिलेंगी, एक अल्कोहल मेथनॉल
प्लस एक सोडियम साल्ट फॉर्मिक एसिड। ये दो चीजें कैसे बनी हैं मैं आपको मैकेनिज्म के जरिए साबित करके दूं। तो चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैकेनिज्म। देखो बच्चों, ये है मेरे पास एक फॉर्मल्डिहाइड, आप जानते हो ना कि ये जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन है या कैनिजारो है, इनको हम बोलते हैं बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। मींस किसकी मौजूदगी पे होते हैं, बेस की प्रेजेंस पे। बेस यहाँ एज ए कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास NaOH एज ए कैटलिस्ट है, जो कि हमने किस फॉर्म में यूज किया हुआ है, एक्वस फॉर्म में। हमारे पास वाटर अंदर मौजूद है और आप जानते हो ना कि NaOH अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो ये किस फॉर्म में मौजूद होगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन के फॉर्म में। तो हम वहां से क्या लेने लगे हैं, हाइड्रोक्सल आयन, जो यहाँ हमारे पास एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। ये OH नेगेटिव आयन एज ए कैटलिस्ट। बच्चों आप जानते हो कि कार्बन जो है इसके ऊपर क्या होता है, पोर्शन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या होता है, पोर्शन नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोक्सल अटैक करता है इस कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाना शुरू हो जाएगा, पांच। और आप जानते हो ये जो डबल बॉन्ड होता है ये डीलोकलाइज होता है, ये ऊपर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास देखो क्या चीज बन जाएगी, H, ये OH, H, O, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बच्चों ये देखो, ये हमारे पास एक एनाइन बन गया है, हम लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने एनाइन की फॉर्मेशन कर ली। चलते हैं सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है। एक तो ये होता है कि हम इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको दो स्टेप्स में चेंज करने लगा। ये देखो, मैं इस एनाइन को दोबारा लिखता हूं, ओ, ये मेरे पास एच। बच्चों ये जो एनाइन है इसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये जो बॉन्ड है ये वापस अपनी पोजीशन पे आता है और ये हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन पे चला जाता है और ये क्या बन जाता है, हाइड्राइड आयन। और हमारे पास क्या चीज बनी जी, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। बच्चों इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और प्लस हमारे पास यहां क्या बना जी, एच नेगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन। ये दो चीजें हो गई। अब हम इसको एक और स्टेप करते हैं जी, क्योंकि अभी तक हमने दो चीजें बनानी हैं। आपके माइंड में होना चाहिए कि एक ये अल्कोहल बनाना है मेथनॉल, और एक बच्चों ये साल्ट बनाना है सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड कितने हैं बच्चों, दो, एक मैंने यूज कर लिया है, एक बाकी बचा हुआ है, मैं वो लेने लगा हूं। ये है जी एक फॉर्मल्डिहाइड मेरे पास, प्लस ये हाइड्राइड आयन, अगेन आप जानते हो कि कार्बन पे क्या चार्ज होता है, पोर्शन नेगेटिव, सॉरी पोर्शन पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, पोर्शन नेगेटिव। अब हमारे पास हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या चीज बन गई, एच
ये एच आके नीचे अटैच हो गया एच ओ नेगेटिव। बच्चों ये देखो, ये है बेसिकली सी एच थ्री ओ नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी आयन, मिथॉक्सी आयन। मैं अब यही काम करने लगा हूं, एक मैं मिथॉक्सी आयन लेने लगा हूं और एक बच्चों ये फॉर्मिक एसिड लेने लगा, मिथॉक्सी आयन सी एच थ्री ओ नेगेटिव प्लस फॉर्मिक एसिड सी। ये देखो, ये सिर्फ मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, ताकि मैं रिएक्शन इजीली आपको समझा सकूं। अब देखो बच्चों, यहां हमारे पास क्या है, इसको मैं और यहां ओपन करके लिख देता हूं, ये ऐसे होता है। देखो बच्चों, ये हमारे पास मिथॉक्सी आयन का जो ओ है, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। अब जरा गौर से देखो, मेथनॉल कैसे बन रहा है, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसलिए मैंने शुरू में डेफिनेशन में बोला था कि जो अल्कोहल होगी वो किससे बनेगी, रिडक्शन से। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन इधर चला गया तो इस हाइड्रोजन की एडिशन से बनी अल्कोहल, लिहाजा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो देखो हमारे पास क्या बन गई जी, सी एच थ्री ओ एच प्लस ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज एच, ये हमारे पास आयन बना हुआ है, फॉर्मिक आयन या फॉर्मिक एसिड का आयन। अब हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप, मैं इसका क्या बनाने लगा हूं, अब साल्ट। ये देखो, अब तो नजर आ रहा है कि अगर मैं इसके साथ सोडियम लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, साल्ट। और ये कब साल्ट बना, जब इसने अपने अंदर से हाइड्रोजन रिमूव किया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। इसलिए इसकी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये कब बनेगा, जब अपने, ये साल्ट कब बनेगा, जब अपने अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो देखो बच्चों, मैं इसका अब लास्ट स्टेप करने लगा हूं, ये है मेरे पास ये आयन फॉर्मिक एसिड का, इसका रिएक्शन मैं करने लगा हूं अपने कैटलिस्ट NaOH के साथ। ये देखो, ये इस सोडियम पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड हाइड्रोक्सिल पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या बन गया जी, हमारे पास साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और बच्चों प्लस ओ एच नेगेटिव आयन एज ए कैटलिस्ट। ये जो हमने इस्तेमाल किया था, ये भी हमें रिकवर होके मिल गया। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक जो हमने ये बनाना था अल्कोहल, ये भी बना लिया, और एक हमने ये साल्ट बना लिया, साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने एक कैनिज़ारो रिएक्शन में, वो रिएक्शन जिसमें हमने ऐसे एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, किसकी मौजूदगी पे, 50% NaOH की मौजूदगी पे, और क्या बनाया, एक अल्कोहल और एक हमने एसिड का साल्ट, और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये एक आसान सा टॉपिक है, ये आपको तब आता है जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो। तो बच्चों इसकी बार बार प्रैक्टिस करो और इंशाल्लाह ये आपको फिर आ जाएगा समझ। ओके जी, इसको एंजॉय करो, केमिस्ट्री है वैसे भी, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।